गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः। हरि ओम। शुभ संध्या। स्वास्थ्य के लिए योग, इस विषय को लेकर योग विद्या गुरुकुल नासिक द्वारा आयोजित 14वें राष्ट्रीय योग सम्मेलन में आप सभी योग साधक, योग प्रेमी भाइयों और बहनों का स्वागत है। मैं सभी महानुभाव जो मंच पर विराजित है उनसे निवेदन करता हूं कि दीप प्रज्वलन करके आज के इस योग सम्मेलन कार्यक्रम का उद्घाटन करें। आदरणीय गुरु जी, आदरणीय भास्कर जी, पूर्णिमा माता जी, शुभम करोति कल्याणम् आरोग्यम् धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। हरिओम। आज का व्याख्यान है श्री ओम प्रकाश तिवारी जी से। ये महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए योग इस विषय पर बातचीत करेंगे। इनका परिचय करने जा रहे हैं श्री योगाचार्य श्री प्रमोद निफाड़कर जी। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। गुरु जी आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज हमारे बीच एक ऐसे महान योगी उपस्थित है जो उम्र में सिर्फ 9 साल के हैं। केवलधाम लोनावला, ये अंतरराष्ट्रीय योग संस्था तो आप सभी जानते हैं, इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेशनल दर्जा की ये संस्था है और इस संस्था के सचिव है योगाचार्य माननीय श्री ओम प्रकाश तिवारी जी। सॉरी, मैंने थोड़ा सा पढ़ने में गलती की है, वहां 9 साल नहीं है, 89 लिखा हुआ है। सॉरी, उनकी उम्र लगभग 90 साल की है और आज हमारे बीच 90 साल के एक योगी योगाचार्य उपस्थित है जो हमें मार्गदर्शन कराएंगे। वो इतने तंदुरुस्त युवा है कि जिन्हें किसी की सहारे की आवश्यकता नहीं होती। आज भी इसी उम्र में यह युवा पूरे अलग अलग देशों में घूमकर योग का प्रचार कर रहे हैं। वो इतने कार्यक्षम है कि उन्हें कोई पर्सनल सेक्रेटरी की भी आवश्यकता नहीं होती और वो इतने विनम्र है कि आप केवलधाम में जाओ, आप पहला दर्शन उन्हीं का होगा और उनसे आप डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेना, ये फॉर्मेलिटी की कोई आवश्यकता नहीं होती। मतलब इतनी इतनी विनम्रता है, जैसे हम बोल सकते हैं कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। केवलधाम में जाते ही पैदल घूमते घूमते अगर कोई व्यक्ति आपको गुरु शर्ट और धोती में मिल जाए तो आप समझ लीजिए यही वो युवा है। तो इतने अच्छे योगी आज हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो केवलधाम लोनावला ये जो संस्था है, ये अंतर्राष्ट्रीय दर्जा की योग संस्था है जिसकी स्थापना 1924 साल में स्वामी कुवलानंद जी ने की है। तो इतनी प्राचीन ये संस्था है और इतनी प्राचीन संस्था स्वामी जी के बाद में गुरु जी संभाल रहे हैं ओम प्रकाश तिवारी जी। तो इन्होंने आपने 1957 में केवलधाम से ही डिप्लोमा इन योग प्रविष्ट ये पूर्ण किया है और 1950 साल ये मेरा जन्म साल है। तो अब मुझे देखिए और उनको देखिए, युवा कौन लगता है आप जान जाओगे, इतना फर्क है देखिए उनकी पर्सनालिटी में। और 1957 से ही, मतलब डिप्लोमा होते ही, उन्होंने केवलधाम का कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है और आज वो केवलधाम लोनावला जो अंतर्राष्ट्रीय दर्जा की संस्था है उनके वो सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी प्राणायाम विषय में सबसे ज्यादा रुचि भी है और मास्टरी भी है।
मतलब पूरे विश्व में उन्होंने प्राणायाम के अलग अलग शिविर किए हैं और योग का प्रचार भी किया है, विशेष रूप से अमेरिका, कनाडा, इटली, फ्रांस आदि अनेक देशों में उन्होंने इस प्रकार योग प्रचार का कार्य किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिन का जो है इंडियन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इसके वो गवर्निंग काउंसिल में भी कार्यरत है। और मुझे आपसे कहने में बहुत ही आनंद हो रहा है कि जब हमारे गुरुजी योगाचार्य डॉक्टर विश्वासराव मंडलिक जी, इनको पिछले साल जब प्राइम मिनिस्टर अवार्ड मिला था उस कमिटी में ओम प्रकाश जी थे और उन्होंने 4 दिन पहले मुझे अवगत किया था कि ये बात किसी को ना बताइए, आपके गुरुजी का चुनाव हो चुका है इसमें। तो इतने मतलब कितनी महान हस्ती है, उनको पर्सनली फोन करने की क्या आवश्यकता थी, लेकिन वो इतने मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है, कभी मैं केरला में जाता हूँ तो पहले दर्शन में ओम प्रकाश जी का करता हूँ। मुझे इतनी मतलब उनसे लगा हुआ है, इतना अच्छा लगता है कि बोलने में आसानी, एकदम सीधे शब्दों में मार्गदर्शन, एकदम ऐसे बिल्कुल जैसे हम बोलते ना कि फिर एक बार मैं बोलूँगा, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। तो ऐसे एक व्यक्ति आज हमारे उपस्थित हैं और आज भी केवल धाम के ऑफिस में वो कार्यरत रहते हैं, मतलब ये आज भी अलग अलग देशों में जाके कार्यरत है, अलग अलग देशों में अभी भी उनके प्राणायाम के शिविर और योग के अलग अलग कार्यक्रम होते रहते हैं। तो ऐसी महान हस्ती आज हमें मार्गदर्शन के लिए उपस्थित है, तो इनका लाभ हम जरूर जरूर लेंगे। तो आप गुरु जी, आपका फिर से एक बार मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुरु जी, हमें आज महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए योग साधना कैसे उपयुक्त है, क्योंकि वो भी अभी महाविद्यालय में ही है ना, तो महाविद्यालय विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए ऐसी व्यक्ति चाहिए जो महाविद्यालयीन विद्यार्थी की उम्र में हो। तो गुरु जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि आप हमें सबको उपस्थित सभी सज्जनों, माताएं बहनों, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। ध्यान रखिए एक बात का, एक दोहा बहुत बढ़िया कहा है, काम क्रोध मद लोभ की जब तक तन में खान, क्या मूर्ख क्या पंडिता, दोनों एक सब। मैं आपसे, मेरा नम्र निवेदन है, जो भी अतिशयोक्ति आपने मेरे बारे में सुनी वो केवल प्रशंसा थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप उस प्रशंसा के योग्य व्यक्ति को पाते हैं तब जो प्रसन्नता होती है वो अलग होती है, और आपकी धारणा पहले से बन जाए और उसके मुताबिक वो व्यक्ति न उतरे तो आपकी निराशा में बदल जाती है, आशा निराशा में बदल जाती है। इसलिए मुझसे अधिक अपेक्षा न करें, मैं एक आपकी तरह का साधक हूं, हो सकता है मैं थोड़ा सा आगे हूं लेकिन क्रॉस नहीं की है अभी, बाउंड्री लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है, तो फर्क सिर्फ दूरी का है। हाँ, जहां तक योग की साधना का प्रश्न है, स्वामी कुवलानंद जी जो मेरे गुरु थे, जिन्होंने मुझे 8.5 साल तक गाइड किया, मैंने कैवल्य धाम 57-58 में ज्वाइन किया, तब 2 साल का कोर्स था, आज तो हफ्ते हफ्ते के कोर्स हो गए हैं। 2 साल के कोर्स के बाद भी जो उपाधि मिलती थी वो योग प्रविष्ट, जस्ट यू आर एंटरिंग इन द फील्ड ऑफ योग। आज तो बहुत सी उपाधियां मिल जाती हैं, इसलिए आज भी मैं अपने को स्वामी कुवलानंद जी का विद्यार्थी मानता हूं और उनकी सेवा में लगा हूं।
उनके अंतिम शब्द मेरे मेरा हाथ पकड़ के था, तिवारी आई हैव ब्रॉट अप दिस इंस्टीट्यूशन आउट ऑफ नथिंग एंड इफ इट गोज टू नथिंग आई डू नॉट माइंड बट योगा शुड नॉट बी डाइल्यूटेड। सज्जनों विश्वास रखना कि आज तक कैवल्य धाम ने वो परंपरा उनकी उम्मीद को सजीव रखा है। हमने कभी भी ऐसा प्रयत्न नहीं किया कि चीप पब्लिसिटी के लिए योग को बेचा जाए। स्वामी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने योग को वैज्ञानिक स्थल पर खड़ा कर दिया। आज दुनिया उन्हें जानती है, उनके काम को जानती है। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बात कही, ये बात सिद्ध कर दी कि प्राणायाम में ऑक्सीजन का महत्व नहीं है, CO2 का महत्व है। आज उनके द्वारा किए गई रिसर्च और उनका पब्लिकेशन इन योग मीमांसा जर्नल में हर महीने होता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कैवल्य धाम वो संस्था है जहां परंपरागत योग की शिक्षा दी जाती है, और जहां भी हमें वैज्ञानिक अनुसंधान में कोई नई बातें प्राप्त की हैं उन्हें भी ज्ञान का माध्यम बनाया जाता है। एक और जब उनने स्वामी जी ने शुरू किया था कैवल्य धाम इन 1924, तो योग मीमांसा में जो पहला पैराग्राफ है वो ये था कि योगा हैज ए कंप्लीट मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी, इट हैज ए मैसेज फॉर द ह्यूमन माइंड, इट हैज ए मैसेज फॉर द ह्यूमन बॉडी एंड ऑल्सो इट हैज ए मैसेज फॉर द ह्यूमन सोल। विल यंग पीपल कम फॉरवर्ड to carry this message not only in India but a farthest corner of the world। आप समझ सकते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी रही हो। इस संस्कृत का गोल्ड मेडलिस्ट बॉम्बे यूनिवर्सिटी से स्वयं साइंस का अभ्यास करता है, स्वयं एक्सपेरिमेंट करते हैं और पहले सब्जेक्ट योग में स्वयं को बनाते हैं। ये अपेक्षा नहीं थी कि दूसरे आके करें, बट स्वयं उन्होंने अपने को एक सब्जेक्ट ऑफर किया। ये तो कहानी लंबी है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आज जो योग की हवा चल रही है उसमें थोड़े थोड़े विकार भी आ गए हैं। कैवल्य धाम हमेशा परंपरा से जो चला आ रहा है और वैज्ञानिक अभ्यास से जो सिद्ध हुआ है उसको आगे बढ़ा रहा है। हम चाहते हैं और हो भी रहा है, भारत सरकार स्पेशली हमारे प्रधानमंत्री जी ने योग के लिए जो प्रेम दिखाया है और उसे आविर्भूत किया है उसके मेरे लिए शब्द नहीं है। अपनी संस्कृति को हम भूल चुके थे, हम योग की तरफ योग को सिर्फ कसरत मान के चल रहे थे। आज ये इस तरफ आ गया है कि हम उसकी वैज्ञानिक उपादेयता को स्वीकार कर चुके हैं, उस दृष्टि से ही फैला रहे हैं। तो जैसा कहा है अटप्त दीपिका में कि कब से शुरू करना चाहिए योग, हमें तो बोलना है उच्च स्तर पर जब BA MA में विद्यार्थी पहुंच जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि युवा वृद्धोति वृद्धो वा व्याधितो दुर्बलोपि वा अभ्यासात सिद्धि वाप्नो। कोई भी युवा वृद्ध अति वृद्ध रोग से ग्रसित सभी योग कर सकते हैं, सिर्फ ये है
कि गुरुपदिष्ट मार्ग इन योग में सदाभ्यसे, अपने अच्छे गुरु की अंदर गुरु की देख रेख में योग का अभ्यास करना चाहिए। और फिर योग में जैसा कहा है, अनभ्यासे विषम विद्या, कोई भी ज्ञान है विष हो जाता है अगर उसका अभ्यास न करें। और योग के बारे में ये बहुत सच है, गुरु की आज्ञा निर्देश और उनकी राय से आप आगे बढ़ना चाहिए। आप जैसा जानते हैं, आज जो प्राप्त नॉलेज है, वैसे तो ये कहते हैं कि हिरण्यगर्भो ही योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः, यानी योग में हिरण्यगर्भ से पुराना कोई नहीं है, लेकिन उनका एक भी आज कार्य अवेलेबल नहीं है। रेफरेंस जरूर मिलता है, लेकिन उनका कोई लिखा हुआ ग्रंथ ऐसा नहीं मिलता है। खोज जारी है। कैवल्य धाम में हम लोग सतत ये प्रयत्न कर रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट्स में, साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट, फिलोसॉफिकल लिटरेचर डिपार्टमेंट एंड जीएस कॉलेज ऑफ योगा, ये रिसर्च से जो भी हमें परिणाम मिलते हैं हम जनता के सामने रखते हैं, साइंटिस्ट को भेजते हैं और उससे एक नया इतिहास की रचना हो रही। तो हमारा जैसा कहा है, योग के 8 स्तंभ हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि, ये संपूर्ण योग है। तो सबसे बड़ी आवश्यकता, अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि यम और नियम का हमारे जीवन में कितना महत्व है। हम जब पराधीन थे, जब विदेशियों का राज्य रहा, पहले मुसलमान रहे, फिर ब्रिटिश रहे, इन्होंने हमारी जड़ों को उखाड़ के फेंकना चाहा, लेकिन फिर भी हमारे योग की परंपरा अक्षुण बनी रही। ये हमारे विद्यालय में नहीं था, जो प्राचीन काल में हुआ करता था गुरुकुलों में, लेकिन किसी न किसी प्रकार से हमारे योगियों द्वारा, सन्यासियों द्वारा ये अभ्यास सतत जारी रहा। और आज उसी का फल है कि हम ने फिर से योग शिक्षा को हर स्तर पर लाने का प्रयत्न किया है। भारत सरकार बड़ा अच्छा ध्यान दे रही है, इसके लिए अलग से मिनिस्ट्री है और वो पूरा प्रयत्न ये रहा है हर विद्यालय में योग की शिक्षा दी जाए। क्यों? जैसा पतंजलि ने कहा है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अपनी जो चित्त की वृत्तियां चंचल हो जाती है मन के कारण, हमेशा एक बात का आप ध्यान रखिए, हमारे मनोविज्ञान में और पाश्चात्य में मनोविज्ञान में बहुत बड़ा फर्क है। पाश्चात्य मनोविज्ञान के लिए हर चीज, समस्या जो भी हमारी पर्सनैलिटी में होती है वो मन में होती है। योग ऐसा नहीं कहता। योग कहता है कि हमारे व्यक्तित्व में अगर समस्या है तो मन की समस्या है, मन ही समस्या है। हमें वो विधियां सिखाई जाती हैं कि हम धीरे धीरे मन के पार चले जाएं। मन के पार जाने से हमारा चित्त जो है बुद्धि के साथ काम करने लगता है। और इसीलिए कहा है, जो हमने पहला दोहा कहा, कि काम क्रोध मद लोभ की जब तक तन में खान, क्या मूर्ख क्या पंडिता दोनों एक समान। तो योग का जब पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने व्याख्या की तो यही कहा, युगश्चित्त वृत्ति निरोधः,
चित्त का कोई ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं है। हमारे यहाँ मन बुद्धि अहंकार ये तीन अंग चित्त के माने जाते हैं। मन एक है और जैसा कृष्ण गीता में कहा है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमादि बलवद्रहम तस्याहम निग्रह मन्ये वायु रिवसु दुष्करम। और उसी बात को करने के लिए हमें योग ने शिक्षा दी, योगस चित्त वृत्ति निरोधः। तो और उसके लिए उन्होंने यम नियम से शुरुआत की। सबसे बड़ी बात जो हर एक उम्र के लोग सीख सकते हैं, हम लोग ये कोशिश करें कि हम जो कहते हैं वो स्वयं करके दिखाएं, स्वयं के आचरण में हो। अब जैसे आप देखिए, कोई ये नहीं चाहता कि हमें कोई दुख दे, हमें कोई हिंसा करे हमारे साथ। तो आपका क्या फर्ज बनता है, आप भी अहिंसक बनिए, आप ये करके दिखाइए कि हिंसा का त्याग आवश्यक है, शांति की दौड़ जरूरी है। और तो यम जो है अपने पांच, वो बहुत इंपॉर्टेंट इन द ग्रोथ ऑफ द पर्सनैलिटी के। इससे आपकी पर्सनैलिटी ग्रो होती है और खिलती है, और समाज देश और विश्व में शांति का प्रचार होता है। लेकिन लोग नहीं, लोग चाहते हैं यू डू आई विल नॉट। तो ये योग की शिक्षा है कि यम का अभ्यास प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, समझना चाहिए। दूसरा कहते हैं वो कि झूठ मत बोलिए। आप स्वयं नहीं चाहते आपसे कोई झूठ बोले, बड़ी सीधी बात है। आप नहीं चाहते कोई आपके साथ हिंसा करे, तो असत्य का त्याग, जहां तक संभव हो सत्य का परित्याग न करें। तीसरा उन्होंने बताया अस्तेय, चोरी न करें। किसी भी मनसा वाचा कर्मणा कहीं भी इसका अभ्यास नहीं होना चाहिए। हालांकि ये भाव रहता है किसी की चीज दिखे तो उठा लो, तो उसका लिए कहा है कि ना ये भी इसका भी अभ्यास करिए, बिकॉज आप नहीं चाहते हैं कि आपकी वस्तु कोई ले जाए, इसलिए आप भी किसी की वस्तु न लें। क्यों, अभ्यास नहीं होगा तो अनभ्यास है विषम विद्या, फिर आपका सिर्फ वाणी में रह जाएगा, कार्य में नहीं आएगा। और तीसरा है, चौथा है ब्रह्मचर्य। नाउ मैं ब्रह्मचर्य की जो परिभाषा चल रही है उससे मैं 100% सहमत नहीं हूं। वशिष्ठ संहिता में कहा है एक गृहस्थ भी यदि वो आपस में सच्चा व्यवहार रखता है अपनी पत्नी के साथ तो ब्रह्मचारी है। और ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म की साधना का ध्यान, वो नहीं भूलना चाहिए। ब्रह्मचर्य का सच्चा अर्थ है कि आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य करने से आध्यात्मिक आपकी उन्नति हो। ये नहीं है कि हम कहते कुछ है करते कुछ है, इसलिए। और पांचवा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है अपने जीवन में आवश्यकताओं को समझें, इच्छाओं को समझें। इच्छा से आवश्यकता अत्यधिक मूल्यवान है, आप उतना ही रखिए अपने पास
जिसकी आवश्यकता है, जो अनावश्यक है और जो डेट देख के फिर फेंकी जाती है वो अनर्थ है, वो आवश्यक नहीं है। तो अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह ये पांच जो यम हैं ये अपने जीवन में धीरे धीरे उतारे जाए, ये अत्यंत आवश्यक वस्तु आज के समय अधिक है। आज भारतवर्ष में जो समस्याएं हैं अगर ईमानदारी से प्रति व्यक्ति फॉलो करे तो ये समस्याएं दूर हो सकती हैं। और दूसरा फिर आता है नियम। अब नियम पांच और पांच नियम, शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रधानानिक क्रिया योगः। शौच का मतलब सिर्फ क्लीनलीनेस से नहीं है, पवित्रता से। हम क्लीन तो हों लेकिन उसमें पवित्रता का भाव रहे, वो हृदय से अंदर से आदमी उठे कि हाँ। देखिए प्लास्टिक का बना हुआ गुलाब बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन पवित्र नहीं हो सकता, वो भाव बदलता है। प्लास्टिक का गुलाब हाथ में लेके आपको फीलिंग वो नहीं होती जो असली गुलाब से होती। इसलिए शौच अत्यंत आवश्यक है। आर्टिफिशियलिटी जितनी दूर की जा सके वो दूर रखें व्यवहार में। संतोष टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन नहीं, कंटेंटमेंट, आप अंदर से संतुष्ट रहें। तपह जो आप कहते हैं वो करें। मनु ने अपने कहा है प्राणायाम परम तपह, प्राणायाम से बढ़ के कोई तप नहीं है। स्वाध्याय आप आंख बंद करके अभ्यास न करें, आप जो अभ्यास करना चाहते हैं उसका अध्ययन भी करें, वो आपको उपलब्ध होता है कि नहीं। आपका सच्चे हृदय से सत्य रूप से आप अभ्यास कर सकते हैं कि नहीं, ये बहुत आवश्यक है। आप अपने अभ्यास को तप समझें, हृदय से करें, मन और बुद्धि एकाग्र होकर करें, तब तो आपको उसका फल मिलेगा। और ईश्वर परिधानानि, इसे लोग कुछ गलत समझते हैं, कभी कहते हैं कि पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने सगुण उपासना या निर्गुण उपासना की बात कही। नहीं, पतंजलि ने कहा है, स्पष्ट किया है, तस्य वाचकः प्रणवः, ईश्वर से मेरा अर्थ है ओम का उच्चारण। ना आप ध्यान से देखिए क्यों सबसे अधिक महत्वपूर्ण पतंजलि ने ओम को बताया। अगर ओम जो है हमारी भाषा का रिप्रेजेंटेटिव है, हमारी आवाज का रिप्रेजेंटेटिव है, अगर आज आवाज न होती, भाषा न बनती, तो हमारा व्यवहार कैसे होता। परस्पर व्यवहार समझ के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हर एक वस्तु का नाम हो। धीरे धीरे ग्रामर डेवलप हुई, एक भाषा शांत वैज्ञानिक रूप से भाषा बने और अपना व्यवहार करें। एक सारा का सारा आता है ध्वनि से। अगर आपके पास ध्वनि न होती तो भाषा न होती। आप पाका उच्चारण बिना ओठ बंद किए नहीं कर सकते। अंत में ध्वनि है हर अल्फाबेट की, हर वर्णाक्षर की पीछे ध्वनि है। और इसीलिए पतंजलि ने कहा है तस्य वाचकः प्रणवः। ओम एक शब्द
को उच्चारण करने में 52 अल्फाबेट आ जाते हैं, जो भी ध्वनि में इस्तेमाल होते हैं, ऑर्गन्स ऑफ स्पीच सब व्यक्त होते हैं। इसलिए ये यम और नियम प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है, और स्पेशली आज के दौरों में हमारे उच्च शिक्षण के विद्यार्थियों का, कि वो ध्यान दें, समझें और करें। आज शिक्षा के क्षेत्र में जो अनभ्यास से जो कठिनाइयां हमें समस्याएं दिखाई देती हैं विद्यार्थियों में, उन्हें दूर किया जा सकता है अगर वास्तव में थोड़ा थोड़ा अभ्यास यम और नियम का किया जाए, सिखाया जाए और ईमानदारी से किया जाए। उसके बाद पतंजलि का है आसन। आप देखिए आसन एक स्पेशल आसन का स्वरूप आज बिगड़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपने आसन की जब व्याख्या करते हैं तो कहते हैं स्थिर सुखम आसनम। आसन वो है जो हमें स्थिरता प्रदान करता है और फीलिंग ऑफ वेलबींग पैदा करता है। एक शारीरिक स्तर पर है, दूसरा मानसिक स्तर पर है। और कैसे करना आसन? प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्या। आज इसे समझने के लिए कोई कम लोग तैयार हैं, इसलिए आसन की विभिन्न तरह की पद्धतियां डेवलप हो गई। आसन सबसे जो बेसिक है आसन में स्थिरता और सुख का अनुभव। ये इसलिए कहा है प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्याम। उसमें बीच में क्या आता है? अगर आप आसन को कसरत ही करें, फिजिकल एक्सरसाइज के रूप में करें। आसन फिजिकल एक्सरसाइज टोटल नहीं है। आसन योर मसल्स नर्व एवरीथिंग शुड बी रिलैक्स्ड। आसन और एक्सरसाइज व्यायाम में बहुत फर्क है। हमारे यहाँ बहुत इसके ऊपर रिसर्च हुई है। आज इसलिए स्वामी जी हमेशा कहते थे आसन को आसन की तरह करो, आसन को व्यायाम की तरह मत करो, बिकॉज व्यायाम में हार्ट रेट बढ़ जाता है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी बहुत होती है और फिर आप थक जाते हैं। रियली आसन में एक बिल्कुल मना है होना। प्रयत्न शैथिल्य, अपने प्रयत्न का शैथिल्य होना चाहिए, जोर जबरदस्ती से नहीं करना चाहिए। अनंत समापत्ति भ्याम, और हो सकता है कि मन चंचल रहता हो तो उसे भी एक एकाग्रता से लगाना, कहीं चल लगाना चाहिए और तब आसन का लाभ मिलता है। आसन के बाद आता है प्राणायाम का नंबर। प्राणायाम आप सभी जानते हैं, हम सभी श्वास प्रश्वास लेते हैं, क्षणिक उसमें पॉज भी होता है, जिसे हम लोग कुंभक कहते हैं। आपको एक बात का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब पतंजलि ने प्राणायाम का प्रारंभ कराया तो उनके मन में टोटल आध्यात्मिक विकास की बात थी। टोटल प्राणायाम को ये मान के चले थे, इससे कुंडलनी का जागरण हुआ और धीरे धीरे, हालांकि उन्होंने कुंडलनी का नाम नहीं लिया है, लेकिन उनकी धारणा और अतियोग की कुंडली ये समान है, उसमें जो होता है शक्ति का संचालन और इसमें शक्ति का संचालन एक ही है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आसन करने के बाद शरीर की हर मसल शैथिल्य बढ़ता है,
आपके अनेक लाभ मिलते हैं। आपका ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, हार्ट, दे आर ऑल इम्प्रूव्ड। हैज बीन नाउ साइंटिफिकली प्रूव्ड दैट आसन इज ए वंडरफुल टेक्निक टू कीप यू मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी। आज हर व्यक्ति का, हर स्टूडेंट का ये फर्ज है कि अपने समय में से कम 30 मिनट निकाल के आसनों का अभ्यास करें। आज की शिक्षा में अब योग का अभ्यास मिला लिया गया है और जहां नहीं है वहां हो रहा है, दिन प्रतिदिन ये बढ़ रहा है। यूनिवर्सिटीज में योग के शिक्षक हैं, विद्यालयों में योग के शिक्षक अपॉइंट किए गए हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि जो परंपरा से चलाया हुआ है, जो विधियां परंपरा से आई हैं, उनका अनुशीलन करना चाहिए। आसन को एक कंपटीशन का मार्ग नहीं देना चाहिए। आसन में कंपटीशन योग के विरुद्ध है। क्षमा करेंगे आप, मैं इसके बहुत ही अलग हूं कि आसन में कंपटीशन, जेलसी बढ़ती है, मतलब फिर कंपटीशन के सारे दुर्गुण आ जाते हैं। इसलिए आसन स्वयं के लिए आप सिखा सकते हैं तो अपनी पुरानी पद्धति से परंपरागत आसन सिखाए जाए, जिससे ततो द्वंद्वा अनविघातः, ये प्राणायाम कहा कि फिर अपने द्वंद्व नहीं उठते, मन शांत रहता है। और मन शांत रहने से हमारे डिसीजन हमेशा अच्छे रहते हैं। इसलिए आज योग की आवश्यकता, जैसा मैंने कहा है, युवा वृद्धोति वृद्धो वा वराधितो दुर्बलोपि वा अभ्यासात् सिद्धि वाप्नोति। और हमें आशा है आज जो भी भारत सरकार ने कदम उठाए हैं योग शिक्षा के लिए वो परिपूर्ण है, लेकिन उसका क्रियान्वय, उसे लागू करना, ये अपने हाथ में है अधिकारियों के। और इसलिए हमारा कहना है यम और नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अब तो प्रत्याहार इट इज ए बहिरंग योग, आप करना है आपको। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये बहिरंग योग है, इसके बाद धारणा ध्यान समाधि अंतरंग योग है, ये रिजल्ट है आपके करने का। इसे आप कर नहीं सकते, आप ध्यान की का प्रयत्न कर सकते हैं, ध्यान अपने आप होने वाली चीज है, आपके जो आपने किया है उसका प्रभाव से, उसका रिजल्ट से। और आज योग की आवश्यकता संपूर्ण अपना व्यक्तित्व का विकास के लिए बहुत आवश्यक है, और जितना अब प्रयत्न होगा अभ्यास का, आप ऊपर उठेंगे, आपकी मेमोरी, आपकी शक्ति, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट, ऑल तंदुरुस्त रहेंगे। हमें आशा है कि कुछ न कुछ आपको मिला होगा, और उसे जो भी आप कर सकते हैं, स्पेशली विद्यार्थी, तो अच्छे गुरु के, अच्छे टीचर के सहवास में आप उसका प्रयत्न करें, सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद। नमस्ते तिवारी जी, बहुत दिन के बाद मिले हैं। हमने आपको बहुत समय बुलाया था हमारे गुरुकुल के आश्रम में, आप नहीं आ सके, लेकिन अभी ये टेप ऑनलाइन है इसे तो आ सके, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा बहुत आदर है आपके संस्था के लिए और आपके लिए। बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आपने जो स्वामी जी का विधान बताया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले से मैंने देखा है, केवल धाम में आता हूँ तो दिखाई पड़ता है कि योग शुड नॉट बी डाइल्यूटेड, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है।
कि योगा डाइल्यूशन चले, डाइल्यूशन नहीं चले तो गलत ढंग से भी काम चल रहे। अभी हॉट योगा करते हैं, बियर योगा करते हैं, कुछ संबंध भी नहीं होगा। आपने बराबर आपने बराबर पॉइंट उठाया वो, और उसके साथ साथ जो यमनियम बताए, क्योंकि तो आजकल ज्यादा कोई यमन में सब आसान करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, यमनियम कोई देखता ही नहीं है, लेकिन वो भी आवश्यक है और विद्यार्थियों के लिए तो ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि विद्यार्थी से हमारे नागरिक बनने वाले हैं। अभी भी वो ऐसा गलत ढंग से रहेंगे तो आगे कैसे क्या करेंगे, इसीलिए विद्यार्थियों के लिए भी उसकी ज्यादा आवश्यकता है, वो सिखाने की आवश्यकता है और समझाने की भी आवश्यकता है, तो विद्यार्थियों को उनके तरफ से समझाना चाहिए। और बाकी तो आपने बहुत कुछ बताया, आसन का भी बताया है, आपने रिसर्च भी बहुत किया है, तो उसके हिसाब से जो बताया बहुत ठीक है, हम भी उसी तरीके का फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ प्रयत्न शैथिल्य अनंत समाप्ति फॉलो करते हैं, आसन सिखाते हैं, इसलिए हम यहाँ 2 घंटे आसन सिखा देते हैं, शवासन की भी आवश्यकता लगती नहीं। हम तो यही कहते हैं कि आसन ऐसा करना चाहिए कि शवासन की आवश्यकता नहीं लगनी चाहिए, हर आसन शवासन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात, किसी आसन की लेकिन प्रत्यक्ष शवासन करना है, इसे प्रयत्न शैथिल्य है वो तो। इसलिए बहुत अच्छी ढंग से आपने बहुत कुछ बातें बताई है, हमारे लिए भी थोड़ा कुछ मार्गदर्शन भी है। और एक सूर्य नमस्कार के बातें में मैं कुछ बताना चाहता हूँ, सूर्य नमस्कार हम तो सिखाते हैं, आपने कहा वो ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ, सूर्य नमस्कार योग में नहीं है, किसी योग के ग्रंथ में सूर्य नमस्कार का वर्णन नहीं है, प्राचीन ग्रंथ में हर व्यक्ति सूर्य नमस्कार सिखाता है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि सूर्य नमस्कार यदि 5 मिनट में 1 सूर्य नमस्कार हो गया तो योग हो जाएगा, और 1 मिनट में 5 नमस्कार किए तो एक्सरसाइज हो जाएगा। योग के माध्यम से करना चाहिए, तो एक नमस्कार हम 5 मिनट में सिखाते हैं, एक अवस्था आधा आधा मिनट स्थिर रखते हैं, आगे चल के ज्यादा भी रखेंगे तो ये योग हो जाए, योग हो सकता है, लेकिन फास्ट करें तो वो एक्सरसाइज हो जाएगा। बहुत बातें चल रही है तो अच्छी बात है, हम भी ट्रेडिशनल योग फॉलो करते हैं, जो आपने कहा है ना 100% वही हम फॉलो करते हैं, लेकिन इसीलिए हम हमारे योग के कंपटीशन में हम ज्यादा नहीं है, योग के कंपटीशन एक्सरसाइज हमने तो स्वीकार ही नहीं किया प्रपोजल गवर्नमेंट का, केवल धाम विल नेवर पार्टिसिपेट। आप देखिए आप कर रहे हैं और दूसरा आदमी ने 3 मिनट के अलावा 4 मिनट शीर्षासन कर लिया, आप हो जाएंगे ये, इसलिए केवल धाम कंपटीशन के फॉर नहीं, बराबर है, होना ही नहीं चाहिए। हमने भी पहले करते थे लेकिन बाद में बंद कर दिया कंपटीशन, किधर कंपटीशन नहीं होता, उसका प्राइज नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो आपने जो बताया ना वो बहुत ठीक है, उसी ढंग से प्रचार होना चाहिए। प्रचार तो कर सरकार ने तो किया है कुछ ना कुछ, लेकिन प्रचार करने वाले तो हम लोग है सब लोग, तो हमें भी देखना चाहिए अच्छी तरह से प्रचार होना चाहिए। ट्रेडिशनल योग परंपरा योग का प्रचार होना चाहिए, मॉडर्न योग का नहीं होना चाहिए। तो देखिए ले ट्राई करेंगे, आपके जैसे हमारे आपके साथ हम भी है कहेंगे, और हम फॉरेन के लोग आते हैं हमारे यहाँ, उधर भी हम ट्रेडिशनल योग बोलते तो उनको भी अच्छा लगता है, वो भी ज्यादा आते हैं। फिर तो स्वामी जी ने कहा बंद कर देना केवल धाम, करेक्ट करेक्ट, लेकिन डाइल्यूट नहीं करना। तो हमारी संस्था भी मैं वही बोलता हूँ तो स्वामी जी ने बोला है, मैं हमारी संस्था में बोलता हूँ कि योग शुड नॉट बी डाइल्यूटेड, दैट इज इम्पोर्टेंट। हमारा वैल्यू बाहर में कम हो गया तो चलेगा, लेकिन योग बुरी तरह से नहीं सिखाएंगे, योग की तरफ से सिखाएंगे। तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आप आए बहुत अच्छा लगा है, फिर भी अभी ऑनलाइन आपको बुलाते रहेंगे, आप आते रहिए। अरे असतो मा सत्यमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु,
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरि कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति।